नमस्कार श्रोताओं, तो रूबरू हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जाने में अधर रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है दिन भर की प्रमुख खबरें। पंजाब की कृषि मंडियों में हिमाचल के धान खरीद पर रोक, अब नालागढ़ व मालपुर में ही होगी बिक्री। हिमाचल के किसानों का धान पंजाब की मंडियों में लेना बंद कर दिया गया है। पिछले 2 साल से यहाँ के किसान चोरी छिपे पंजाब किसानों की जमीन की फर्द के नाम पर धान बेच देते थे। इस बार पंजाब की मंडियों में हिमाचल के किसानों का धान नहीं लिया जा रहा है। इस बार हिमाचल में नालागढ़ व मलपुर में खुले खरीद केंद्रों में ही सारा धान बिकेगा। वहीं बीबीएन में इस बार 3,750 हेक्टेयर जमीन पर धान लगाया गया है। यहाँ पर करीब 18,000 मीट्रिक टन धान होने की उम्मीद है। 4 साल पहले भी पंजाब ने हिमाचल के किसानों का धान गेहूं लेना बंद कर दिया था। मनाली के प्रीणी में अटल को याद कर भावुक हुए राज्यपाल शिव प्रताप। जिला कुल्लू के 4 दिवसीय दौरे के दौरान राज्यपाल शिव प्रताप आज मनाली पहुंचे। वह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रीणी स्थित आवास पर भी गए। परिसर में उन्होंने कुछ समय बिताया और अटल के साथ बिताए पल और स्मृतियों को याद कर भावुक हो गए। लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी साथ रहीं। बता दें कि अटल को याद करते हुए राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल और हिमाचलवासियों से उन्हें बहुत स्नेह था, वो इसे अपना दूसरा घर मानते थे। उन्होंने यहाँ के साथ वातावरण में अनेक कविताएँ लिखी हैं। वहीं राज्यपाल ने अंतर्राष्ट्रीय रोरिक मेमोरियल आर्ट गैलरी और नगर कैसल का भी दौरा किया। राज्यपाल ने कहा कि कलाकार निकोलस रोरिक ने हिमाचल की सुंदरता को अपनी कला के माध्यम से तस्वीरों में उकेरा है। यह गैलरी भारत और रूस के मजबूत सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है। इससे पूर्व राज्यपाल काई मट गए। इस दौरान राज्यपाल के सचिव चंद्र प्रकाश वर्मा तथा जिला प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित रहे। अजोली बैरियर पर तेज रफ्तार कार ने 3 युवकों को मारी टक्कर, मौके पर मौत। पंजाब के नंगल से संतोषगढ़ की ओर जाने वाले मार्ग पर अजोली गांव में लगे हिमाचल टोल बैरियर पर आज दोपहर हुए सड़क हादसे में नाके पर मौजूद 2 कर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान रणजीत सिंह पुत्र किशन सिंह तहसील अम्ब परविंदर सिंह पुत्र दिलीप सिंह गांव टिकरी नालागढ़ के रूप में हुई। बैरियर पर तैनात सोनी कपिला पुत्र राम स्वरूप कपिला निवासी अजोली गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल को पीजीआई रेफर कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार नंगल की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार गाड़ी टोल बैरियर पर बनाए गए कैबिन में जा घुसी। हादसे के समय टोल कर्मचारी दोपहर का खाना खा रहे थे। हादसे के बाद एक कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी के साथ बैरियर पर बनाए गए कैबिन के भी परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को साथ लगते निजी अस्पताल में पहुँचाया। एक व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि दूसरे की अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई। 13.79 किलोमीटर लंबे रोपवे को बनाने का रास्ता साफ, एनडीपी ने दी अग्रिम टेंडर की मंजूरी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 1,734.40 करोड़ की लागत से दुनिया का दूसरा सबसे 13.79 किलोमीटर लंबे रोपवे को बनाने का रास्ता साफ हो गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीपी ने 1,734 करोड़ की लागत से बनने वाले शिमला ट्रांसपोर्ट रोपवे प्रोजेक्ट के निर्माण को अग्रिम टेंडर लगाने की इजाज़त दे दी है। इससे अब शिमला रोपवे के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ है। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए दी। मुकेश ने लिखा कि 13.79 किलोमीटर दूरी वाला यह विश्व का दूसरा और भारत का पहला सबसे लंबा रोपवे होगा। यह 15 स्टेशनों को जोड़ने वाला 13.79 किलोमीटर लंबा रज्जू मार्ग बनेगा। चक्कर में पैरापिट तोड़ गली में जा गिरी कार, 2 की मौत, 1 घायल, दशहरा मना लौट रहे थे घर। थाना बालूगंज के अंतर्गत चक्कर कोर्ट रोड मार्ग पर एक कार पैरापिट तोड़कर पहाड़ी से लुढ़कती हुई एक भवन की गली में जा गिरी। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 1 युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 3 युवक दशहरा मनाने के बाद घर लौट रहे थे। 3 युवक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन वे परिवार के साथ लंबे समय से शिमला में ही रह रहे हैं।
पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक शनिवार देर रात कार में सवार होकर तीनों युवक कोर्ट रोड से चक्कर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान गाड़ी अनियंत्रित होकर पैरापिट तोड़ते हुए पत्रकार विहार के भवन की गली में जा गिरी। हिमाचल में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर सुख बुगाहट तेज, इनके नाम की अटकलें। हिमाचल प्रदेश में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर सुख बुगाहट तेज हो गई है। मार्च 2025 में वर्तमान मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना सेवानिवृत्त होने वाले हैं। रेरा यानी रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर श्रीकांत बाल्दी का दिसंबर 2024 में कार्यकाल पूरा हो रहा है। चर्चा है कि प्रबोध की नई रेरा अध्यक्ष के तौर पर जनवरी 2025 में नियुक्ति हो सकती है। ऐसा होने पर आईएएस अधिकारियों के कैडर की वरिष्ठता में सबसे ऊपर चल रही अतिरिक्त मुख्य सचिव के पंत, दिल्ली में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात अनुराधा ठाकुर और ओंकार शर्मा में से किसी को प्रदेश की अफसरशाही की सरदारी मिल सकती है। नया मुख्य सचिव कौन होगा, इसको लेकर इन दिनों सचिवालय में खूब अटकलें लगाई जा रही हैं। पिछले वर्ष के एरियर को तरस रहे 1300 कंप्यूटर शिक्षक। स्कूलों में कार्यरत लगभग 1300 कंप्यूटर शिक्षकों को पिछले वर्ष का 7 महीने का एरियर नहीं मिला है। इन शिक्षकों का अप्रैल से लेकर अक्टूबर 2023 तक का एरियर पेंडिंग है। 1300 शिक्षकों को प्रति शिक्षक 14,000 रुपये के हिसाब से यह एरियर मिलना है। अब शिक्षक सरकार से दिवाली से पहले इस एरियर को जारी करने की मांग कर रहे हैं। गौर हो कि पिछले वर्ष सरकार ने इन शिक्षकों के वेतन में 2,000 रुपये बढ़ाए थे, लेकिन शिक्षकों को अप्रैल के बजाय नवंबर 2023 में बढ़ा हुआ वेतन दिया गया, जबकि बीते 7 महीने का एरियर शिक्षकों को अभी तक नहीं मिला है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार से कंप्यूटर शिक्षकों के लंबित एरियर का भुगतान दिवाली से पहले करने की मांग की है। डीए तो मिल गया, एरियर को अभी इंतजार। सचिवालय कर्मचारियों का जनरल हाउस तय तारीख पर कल सचिवालय में होगा। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ ने इसकी तैयारी कर ली है और सभी संबंधित विभागों के कर्मचारियों को इस संबंध में नोटिस देकर जनरल हाउस में शामिल रहने को कहा है। इन कर्मचारियों की प्रमुख मांग कर्मचारियों को डीए की किस्त की थी और मुख्यमंत्री ने किस्त 4% डीए देने की घोषणा कर दी है। वहीं इसके साथ कर्मचारियों की मांग वेतनमान के लंबित एरियर की है, जिसे लेकर अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि सरकार के पास जो पैसा था वो इस महीने वेतन, पेंशन, मेडिकल रिबर्समेंट वो डीए में चला जाएगा। ऐसे में अभी एरियर को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है, मगर अब सचिवालय कर्मचारियों के सामने सबसे बड़ा मुद्दा कर्मचारी नेताओं पर हुए प्रिविलेज मोशन का है, जिसे वापस लेने से फिलहाल इनकार हो चुका है। हालांकि सीएम ने इस पर कहा जरूर है कि वो मंत्री राजेश धर्माणी से बात करेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने नसीहत भी दी है कि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ऐसे में सचिवालय प्रशासन से नेताओं को मिले नोटिस और विधानसभा से प्रिविलेज मोशन का मामला सामने है, जिसे लेकर जनरल हाउस में कर्मचारी नेता अपनी बात रखेंगे। अभी तक उनको मुख्यमंत्री की तरफ से बातचीत का न्योता भी नहीं मिला है, जिसका वो इंतजार कर रहे हैं। तो ये रही दिन भर की ताज़ा खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।